हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त मनीष। तो फिलहाल दोस्तों, आज हमारे सामने है ऑल न्यू 2024 वैगनआर। एंड अगर वेरिएंट की बात करें तो दोस्तों, ये है आपका VXI वेरिएंट, जो कि आपका CNG के साथ देखने के लिए मिल जाता है। एंड इसका हम करेंगे जल्दी जल्दी वॉक अराउंड एंड जानने की कोशिश करेंगे आपको इसमें क्या क्या फीचर देखने को मिल जाते हैं। सो पहले दोस्तों, अगर इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो 6.89 लाख रुपये इसका एक्स शोरूम प्राइस। एंड ऑन रोड की बात करें तो अप्रोक्स दोस्तों आपको ये 7,80,000 रुपये करीब देखने को मिल जाती है ग्वालियर में। एंड इस कार से रिलेटेड दोस्तों, आपको अगर कोई भी आपको बुकिंग इंक्वायरी करनी है तो आप दोस्तों कॉन्टेक्ट कर सकते हैं निकुंज मोटर्स ग्वालियर को, ठीक है। सो दोस्तों, ओवरऑल कार काफ़ी अच्छी है देखने में। बाकी अगर इसमें बात करें तो इसमें आपको 1 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है। एंड माइलेज की बात करें दोस्तों तो ऑलमोस्ट आपको 33-34 का इसमें CNG में एवरेज देखने को मिल जाता है। बड़ा शानदार सा आपको इसमें एवरेज देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसी और नई कार की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड अगर फ्रंट की बात करें तो आपको इसमें जो वीड मिलती है 1620 mm की, आपको अच्छी खासी वीड देखने को मिलती है। एंड यहाँ देखिए, आपको सुजुकी का लोगो मिलता है। बाकी ग्रिल की बात करें, मैट ब्लैक फिनिश में आपको ग्रिल देखने को मिलेगी। लाइट सेटअप ये है, जो कि आपका प्रोजेक्टर में नहीं मिलता, आपको नॉर्मल हैलोजन बल्ब के साथ रिफ्लेक्टर बेस्ड लाइट सेटअप मिलेगा। इंडिकेटर भी आपको हैलोजन बेस्ड देखने को मिलते हैं। फॉग लैंप आपको देखने को नहीं मिलेगा, आफ्टर मार्केट चाहें या फिर आप कंपनी के थ्रू लगवा सकते हैं शोरूम से। एंड नीचे आपको स्किड प्लेट कुछ ब्लैक टाइप की देखने को मिलती है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो आपको 165 mm का इसमें आपको अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। वाइपर आपको यहाँ मिलेंगे, जो कि आपके डबल वाइपर है। एंड वॉशर की बात करें तो कुछ इस टाइप से आपको इसमें वॉशर देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर इसकी लेंथ की बात करें 3655 mm की इसमें आपको अच्छी खासी लेंथ देखने को मिल जाती है। एंड व्हील बेस की बात करें तो 2435 mm का इसमें आपको व्हील बेस मिलता है। सो फ्रंट में देखो, यहाँ पर आओगे फेंडर में तो आपको टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं फेंडर लाइन में। एंड अगर टायर साइज की बात करें 6570R14 का स्टील रिम के साथ व्हील कैप भी आपको देखने को मिलते हैं। फ्रंट में कंपनी आपको डिस्क ब्रेक ऑफर करती है, कुछ इस टाइप से आपको टायर प्रोफाइल मिल जाएगी। साइड मिरर आपको मिलता है दोस्तों बॉडी कलर, इसमें आपको कोई भी टर्न इंडिकेटर देखने को नहीं मिलता। एंड इसको अगर आपको एडजस्ट करना है तो एक बार चेक करते हैं अंदर से एडजस्ट होता है कि नहीं होता। हाँ जी, यहाँ से आप इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं, यानी ये आपको मिलते हैं इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल। रूफ रेल्स आपको नहीं मिलेगी, सनरूफ भी आपको इसमें नहीं मिलता, प्लस आपको नॉर्मल सा एंटीना देखने को जरूर मिलेगा। एंड रियर टायर की बात करें तो उसमें आपको नॉर्मल कंपनी ड्रम ब्रेक ऑफर करती है। सो फिलहाल अभी आप देख रहे हैं इस वैगनआर की साइड प्लस बैक प्रोफाइल। एंड ये इसका फ्यूल लीड। सो दोस्तों, अगर इसकी टैंक कैपेसिटी की बात करें तो आपको 30-35 लीटर की टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। बैक प्रोफाइल दोस्तों आपके सामने है, देखिए वाइपर डिफॉल्ट कुछ नहीं मिलता, हाई माउंटेड स्टॉप लाइट जरूर मिलती है आपको। एंड सुजुकी का लोगो मिलता है। वैगनआर की कुछ इस टाइप से बैजिंग मिल जाएगी। 2 पार्किंग सेंसर, 2 रिफ्लेक्टर आपको देखने को मिल जाते हैं। टेल लाइट यूनिट काफ़ी बड़ी आपको देखने को मिलती है, जो कि आपके प्योर हैलोजन बल्ब के साथ है। साथ ही बात करें बूट स्पेस की तो ओपन करते हैं, कुछ इस टाइप से ओपन होगा, कोई भी ग्रैब हैंडल्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। पार्सल ट्रे आपको इस VXI वेरिएंट में देखने को मिलता है, इसको ऊपर करेंगे ना तो ये है दोस्तों आपका बूट स्पेस। एंड CNG सिलेंडर, जो कि आपकी 60 kg का है ऑलमोस्ट। एंड गैस आपकी आएगी 8 से 10 किलो, एक बार में रिफिल हो जाएगी। माइलेज दोस्तों आपको कम से कम 33-34 का है, इजीली एवरेज आपको देती है ऑन CNG। बाकी स्टेपनी व्हील दोस्तों आपको यहाँ देखने को मिलता है, जो कि आपका सेम टायर साइज़ का। इतना ही आपको बूट स्पेस मिल जाएगा तो आपका छोटा मोटा लगेज तो इस मतलब बूट स्पेस में ईजिली आ जाएगा, तो आप छोटी मोटी ट्रिप तो मार सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। बाकी यहाँ पर आपको सेफ्टी वॉल भी देखने के लिए मिल जाएगा। सो आपको कैसा लगा इसका बूट, आप हमें कमेंट करके बताना दोस्तों। एंड ओवरऑल अगर बात करें तो कुछ इस टाइप से इसका आपको इंटीरियर भी देखने के लिए मिलने वाला है। चलिए इसको करते हैं बंद। एंड यहाँ देखिए CNG का आपको स्टिकर मिल जाएगा। रियर डोर पैनल ओपन करते हैं तो ये है इसका डोर पैनल। देखिए ब्लैक कलर का आपको पूरा डोर पैनल देखने को मिलने वाला है। पावर विंडो कंट्रोल्स मिलते हैं, डोर ओपनर मिलता है, मतलब ये ग्रैब हैंडल्स, डोर ओपनर। एंड नीचे आपको स्पीकर की प्लेसमेंट प्लस बोटल स्पेस, चाइल्ड लॉक, यही सब कुछ है। एंड ये है इसका इंटीरियर, कह लीजिए सीट कह लीजिए, बहुत ही शानदार है, जो कि दोस्तों आपको मिलती है बढ़िया ड्यूअल टोन में। कार के अंदर बैठते एक बार, आय हाय, ये देखिए इस टाइप का आपको डिज़ाइन मिलेगा। डैशबोर्ड का व्यू आने वाला है। बाकी नी रूम काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। मैगजीन होल्डर्स नहीं मिलते आपको, ये सीट बेल्ट फिक्स मिल जाएंगी। ऊपर आपको ग्रैब हैंडल की बात करें ये भी फिक्स्ड मिलते हैं। बाकी थाई सपोर्ट भी आपको बढ़िया मिल जाता है। रियर एसी वेंट्स की प्लेसमेंट आपको नहीं मिलेगी। एंड अगर सीट की बात करें दोस्तों तो आपको 60-40 में स्प्लिट, VXI वेरिएंट में 60-40 में स्प्लिट आपको सीट मिलती है। 2 हेडरेस्ट जिन्हें आप एडजस्ट नहीं करते, यानी फिक्स है, आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं। बाकी सीट की क्वालिटी एंड कुशनिंग दोस्तों आपको काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलने वाली है। पीछे देखिए पार्सल ट्रे भी मिल जाता है। ओवरऑल रियर आएगा इस कार का इंटीरियर एंड डैशबोर्ड। अब चलते हैं आगे ड्राइवर सीट पर, वहाँ बैठ के सारी बात करते हैं।
सो फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे हैं इसका ड्राइवर साइड डोर, काफ़ी बड़ा आपको ड्राइवर साइड डोर देखने को मिलता है। डोर ट्रिम की बात करें तो प्योर आपको हार्ड प्लास्टिक का यूज़ देखने को मिलता है एंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। फिट एंड फिनिश भी मारुति की काफ़ी अच्छी है। बाकी चारों पावर विंडो है, कंट्रोल्स, डोर लॉक अनलॉक करने के लिए मिरर को लॉक करने के लिए, बाकी मिरर सेट करने के कंट्रोल, साइड मिरर सेट करने के कंट्रोल्स हैं, डोर ओपनर है, नीचे आपको स्पीकर देखने को मिलता है प्लस बोतल स्पेस। एंड इस वेरिएंट में दोस्तों आपको दो स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, प्लस सेफ्टी की बात करें तो उसमें आपको दो एयर बैग्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे। सीट हाइट एडजस्टमेंट आपको इस मॉडल में देखने को नहीं मिलती, बट सीट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है एंड काफ़ी चौड़ी आपको सीट्स मिलने वाली दोस्तों। हेडरेस्ट आपको जरूर फिक्स मिल जाते हैं। बाकी ये रहेगा आपका मैनुअल वेरिएंट। यहाँ बात करें ट्रैक्शन कंट्रोल है, सीएनजी फ्यूल स्विच करने का बटन दिया गया, हेडलाइट डैम्पर यूनिट, एसी वेंट की प्लेसमेंट, बाकी ड्यूअल टोन का आपको उसमें डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है। सो दोस्तों, ये रहा इस कार का इंटीरियर, काफ़ी शानदार सा आपको इसमें इंटीरियर डैशबोर्ड देखने को मिलता है। मतलब लगता नहीं है कि आप VXI वेरिएंट में बैठे हैं, वैगनार में बैठे हैं, बड़ा शानदार सा आपको इसमें डैशबोर्ड मिल जाता है। बाकी स्टीयरिंग व्हील की बात करें, देखा आपको राउंड शेप का जरूर देखने को मिलेगा, बीच में आपको सुजुकी का लोगो, कोई भी आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स देखने को नहीं मिलते। एंड एडजस्टमेंट की बात करें तो आपको सिर्फ टिल्ट देखने को मिलता है, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलता। यहाँ पर आपको लाइट्स के कंट्रोल, वाइपर कंट्रोल एंड ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोस्तों, कुछ इस टाइप से एनालॉग वाला, बीच में आपको डिजिटल डिस्प्ले जिसमें आपका फ्यूल गैस, सीएनजी एंड गाड़ी कितनी चल चुकी है सब कुछ शो कर देगा। बहुत मस्त लगता है देखने में, जबरदस्त, मतलब कुछ ज़बरदस्त लगता है। ऊपर आपको पूरा हार्ड प्लास्टिक का यूज़ मिलने वाला है। डैशबोर्ड काफ़ी बड़ा आपको दोस्तों देखने को मिलता है, काफ़ी सामान आप इजली रख सकते हैं। सेंटर पे आप आएंगे तो आपको ड्यूअल टोन के एलिमेंट्स भी मिलने वाले हैं एंड टू डिनकस में आपको मिलता है म्यूजिक सिस्टम, ठीक है, कुछ इस टाइप से रहेगा इसका म्यूजिक सिस्टम। बढ़िया लगता है देखने में, काफ़ी मस्त है। यहाँ पर आपको दोस्तों वॉल्यूम कंट्रोल्स, ट्यूनिंग कंट्रोल एंड इसको ओपन करेंगे ना तो यहाँ पर आपको ऑक्स एंड एक USB चार्जिंग पोर्ट जरूर देखने को मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों नीचे आते हैं तो आपको है हजार्ड का बटन एंड मैनुअल AC देखने को मिलता है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट अगेन यहाँ मिल जाता है। बाकी ये रहेगा आपका 5 स्पीड मैनुअल वेरिएंट। यहाँ पर थोड़ा स्पेस मिलता है की वगैरह रखने के लिए, नॉर्मल से की तो रख सकते हैं बट कुछ भी सामान रख सकते हैं। एंड मैनुअल हैंडब्रेक रहेगा, कोई आर्मरेस्ट नहीं मिलता, सीट काफ़ी अच्छी है। यहाँ देखिए रियर व्यू मिरर की बात करें तो आपको उसे मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। एंड सनवाइजर की बात करें तो क्वालिटी ठीक ठाक है, वारंटी मिरर नहीं मिलता, टिकट होल्डर मिल जाएगा, इधर आपको वारंटी मिरर मिल जाएगा, ठीक है। और क्या बात करें, फिक्स आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाएंगे। सो फिलहाल इस टाइप से रहता है इस कार का इंटीरियर, आपको दोस्तों कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर इस VXI वेरिएंट की बात करें तो कुछ इस टाइप की आपको इसमें की देखने को मिल जाती है, जो कि आपकी रिमोट सेंट्रल लॉकिंग के साथ। एंड दूसरी की बात करें तो वो भी दोस्तों आपको शायद रिमोट सेंट्रल लॉकिंग से देखने को मिल जाएगी। देखिए दोनों की आपको इस टाइप की देखने को मिलती हैं। सो फिलहाल दोस्तों इस वैगनर VXI में आपको 1 लीटर 3 सिलेंडर K10 सीरीज़ का जो इंजन देखने को मिलता है। एंड अगर पावर फिगर की बात करें तो आपके 55 BHP एंड 82 Nm का टॉर्क ये आपको प्रोड्यूस करके देती है। बाकी मैं आपको बोनट खोल के नहीं दिखा रहा हूँ, तो नॉर्मल मैं आपको पावर फिगर्स के बता देता हूँ। बाकी इंजन काफ़ी नीट एंड क्लीन है। एंड ओवरऑल अगर इसकी एक्सोरूम प्राइस की बात करें तो दोस्तों 6.89 लाख रुपीज़ इसका एक्सोरूम प्राइस है, काफ़ी अच्छा खासा एक्सोरूम प्राइस है। एंड माइलेज की बात करें तो माइलेज किंग से आप कह सकते हैं, लगभग दोस्तों ये आपको ऑन हाईवे CNG में 34 से 35 का एवरेज आराम से दे देती है। एंड पेट्रोल की बात करें तो उसमें भी आपको 24-25 का एवरेज बड़े प्यार से निकाल के दे देती है। सो दोस्तों इस कार से रिलेटेड कोई भी बुकिंग, क्वायरी, टेस्ट ड्राइव आपको चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं निकुंज मोटर्स ग्वालियर को, जो कि आपका लोकेटेड है दोस्तों गोले के मंदिर चौराहा पे, ठीक है। शोरूम की कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड जुड़े रहे हमारे साथ ऐसी और नई कार की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तब तक के दोस्तों जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।